Why did you not say anything about me? Okay. I always think about those who keep wasting their time. I always think about those who keep wasting their time. I always think about those who keep wasting their time. मैं हमेशा उनके बारे में सोचता हूँ जो अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं keep wasting. For last more than half an hour, we have been learning. Guys, let's have lassi. For last more than half an hour, we have been learning. आधे घंटे से ज़्यादा वो सीखते हैं. नहीं, हम पिछले आधे घंटे से ज़्यादा से सीख रहे हैं. Since then, what have you been learning? Or better ये रहेगा कि what have you been learning since then? उसके बाद आप क्या सीखते हो? No. What have you been learning since then? तभी से आप क्या सीख रहे हो? We are making practice to speak English. हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं. थोड़ा सा बस चेंज करना है. We are making practice to speak English. हम अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके. व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश? इंग्लिश बोलने में सबसे जरूरी चीज क्या है? आई पर्सनली थिंक दैट ग्रामर प्लेस अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन इट. मेरी पर्सनल सोच है इंग्लिश बोलने में ग्रामर बहुत बड़ा रोल रखती है. एब्सोल्युटली राइट. हाउ डिड यू लर्न? तुम क्या सीखे? हाउ डिड यू लर्न? How did you learn का मतलब क्या है? तुमने कैसे सीखी? I used to devote many hours to English. मैंने इंग्लिश सीखने में बहुत घंटे लगाए. मैं बहुत वक्त लगाया करता था. I used to devote many hours, बहुत सारे घंटे, कई घंटे लगाया करता था. ओके. With whom did you make practice? With whom मतलब किसके साथ? With whom did you make practice? वो किसके साथ practice करते थे? Right. I used to talk to myself in English. मैं अपने आप से ही अंग्रेजी में बात किया करता था. Okay. How did you judge whether you are speaking right or wrong? तुम कैसे जज करते थे कि सामने वाला? नो, सामने वाला नहीं, कि तुम सही बोल रहे हो या गलत. फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज टू सेट ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर इन माई माइंड. सबसे पहले तुम्हें ग्रामर अपने दिमाग में, ग्रामर के सारे नियम अपने दिमाग में सेट करता था. ओके. व्हाट मोर शुड आई डू टू इम्प्रूव माय इंग्लिश? और तुमने क्या करा इंग्लिश सीखने के लिए? नो. व्हाट मोर शुड आई डू टू इम्प्रूव माय इंग्लिश? मुझे और क्या करना चाहिए अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए? और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए और क्या करूँ? इन योर स्पेयर टाइम स्टार्ट लिसनिंग टू
द स्पीकर्स रिलेटेड टू इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकर्स यू कैन से इन योर स्पेयर टाइम स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश मोटिवेशनल स्पीकर और आप अपना टाइम इंग्लिश और अपने इन योर स्पेयर टाइम और आप अपने खाली वक्त में अंग्रेजी के जो मोटिवेशनल स्पीकर है उन्हें सुनना शुरू कर दीजिए. थैंक यू गाइस. थैंक यू वेरी मच.